हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लारी फूड हब। टुडे आई एम शेयर विथ यू समवन स्पेशल ईरानी चाय। आई नो आप हो चाय लवर, इफ अगर आप नहीं भी हो तो आप अगर ये ईरानी चाय बनाएंगे तो आप चाय के शौकीन हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईरानी चाय की रेसिपी। अब आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मुझे तो देख के ही पानी आ गया। आपको भी आया ना? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरानी चाय है तो ये बड़ा खर्चीला होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ मैं बिना कंडेंस मिल्क के बनाऊंगी ईरानी चाय, हैदराबादी ईरानी चाय विदाउट कंडेंस मिल्क आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं स्टील के बर्तन का यूज कर रही हूँ, आप नॉन स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं 4 कप का बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5 कप पानी ऐड किया है। अब हम इसमें चाय पत्ती को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टीस्पून चाय पत्ती ऐड किया है। नेक्स्ट अब हम इसमें लौंग इलायची ऐड करेंगे। 3 लौंग लिया है, 2 इलायची लिया है। इलायची को मैंने बीच से फाड़ दिया कि उसकी स्मेल अच्छे से इनहेंस हो जाए। अब हम इसमें 3 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप शुगर अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। अब हम इस ढक्कन पे आटे को अच्छे से मल के पूरे साइड को कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें से हमें एयर नहीं निकलने देनी है। इस तरह से हम इसको कवर करेंगे और इसको ढक देंगे। चाय की यही मेन मोनोपोली है कि इसकी एयर जरा से भी बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 20 से 25 मिनट तक इसको कुक करेंगे। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। यहाँ हम 500 ml मिल्क का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको बॉइल करेंगे। आप देख सकते हैं दूसरे साइड हम इसको मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, जरा से भी एयर इसकी बाहर नहीं जा रही है, आप देख सकते हैं इसे। ये देखिए दूध हमारा बॉईल हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा फेटेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मलाई लिया है। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मलाई ऐड करेंगे और उसको अच्छे से फेटेंगे। आप देख सकते हैं इसमें को हम जैसे ऐड करेंगे इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। मावा की जगह आप मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क का भी यूज कर सकते हैं, बट हम विदाउट कंडेंस मिल्क बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे मावा का यूज कर रहे हैं। यानी कि हम इसमें 2 टेबल स्पून खोया ऐड कर रहे हैं और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये जो आपने दूध लिया है ये थोड़ा सा कम ना हो जाए, थोड़ा सा इसकी थिकनेस गाढ़ी ना हो जाए, इसको तब तक हमें पकाते रहना है। मिनिमम आपको मीडियम फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट तक पकाया है। आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी कम भी हो गई है और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। इस चाय को भी उबलते हुए 20 से 25 मिनट हो गया है। अब हम इसको हटाएंगे। आप देख सकते हैं मैं चाकू की हेल्प से इसको बीच में से काट रही हूँ कि इजिली हमारा ढक्कन रिमूव हो जाए। ये देखिए ढक्कन हमारा इजिली रिमूव हो गया है। अब हम इसको हटा देंगे और चाय को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। पहले हम इसको अच्छे से हटा देंगे, जो आटा हमने लगाया था पहले इसको हम हटा लेंगे। अब हम चाय को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी ब्लैक टी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसको कप में निकालेंगे, आधा आधा कप, ज्यादा नहीं, हम बस आधा आधा कप इसमें निकालेंगे। या मैं एक चम्मच की हेल्प से निकाल रही हूँ, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम निकालेंगे पहले चारों कप में। अब हम इसमें 2-2 चम्मच या आप अपने कलर के हिसाब से इसमें दूध को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ईरानी चाय का कलर कितना बेहद अच्छा दिख रहा है। हमारी ईरानी चाय बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं इसको अलग भी सेपरेट दिखा रही हूँ। जैसे आप इसमें दूध ऐड करेंगे इसमें आप कलर देखेंगे कितने अच्छे से कलर इसका चेंज हो रहा। आई होप आपको ये ईरानी चाय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।